हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा जैन। आज हम करेंगे फिर से एक और फॉरेस्ट कुकिंग। तो आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट आलू गोभी की कुरकुरी सी पकौड़ी, जिसे आप किसी भी पिकनिक या फिर फॉरेस्ट में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर मैंने रखा है तेल को गर्म होने के लिए। तेल गर्म होता है तब तक हम पकौड़ी की बैटर की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है एक कप बेसन, इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच हींग, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हींग को आप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आ जाती है। साथ ही इसमें डाला है एक कप फूल गोभी, एक कप आलू, 3 से 4 हरी मिर्ची। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सभी मसालों और बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। अब पानी को एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका थिक बैटर ही चाहिए, हमें इसे पतला नहीं करना है। अगर पतला कर देंगे तो क्या होगा, जो आलू और गोभी है वो बेसन के साथ लिपटी हुई चाहिए, वो लिपटी हुई नहीं रहेगी। इसके लिए हमें पानी का कम इस्तेमाल करना है। ये बैटर तैयार हो चुका है। अब सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़े से हरे धनिया और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद उधर जो तेल हमने गर्म होने के लिए रखा था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और गर्मा गर्म तेल के अंदर अब एक एक करके सभी पकौड़ी को बिल्कुल केयरफुली डालेंगे। सभी पकौड़ी को इसमें डालने के बाद 1 मिनट तक आप आंच को तेज रखेंगे। जैसे ही पकौड़ी जो है ऊपर आ जाएगी फ्राई होके, उस टाइम पे आंच को धीमे कर देंगे और धीमे धीमे आंच पे इन पकौड़ी को बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़ी को आप बीच बीच में इस तरीके से उलट पुलट करते रहिए और ध्यान रखेंगे आंच को आपको धीमे ही रखना है, वरना क्या होगा, जो आलू और गोभी है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इधर हमारी जो पकौड़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसे फटाफट से गर्मा गर्म निकाल लेते हैं और बचे हुए बैटर का भी सेम इसी तरीके से हम पकौड़ी को बना लेंगे। तो इधर सभी पकौड़ी को मैंने निकाल लिया है और गर्मा गर्म पकौड़ी के ऊपर सबसे लास्ट में डालेंगे चाट मसाला और इसे करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो आज की हमारी टेस्टी और क्रिस्पी सी पकौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप जब भी कभी हिल स्टेशन पे या किसी ठंडी जगह पे पिकनिक के लिए या फिर घूमने जाते हैं तो ये पकौड़ी बनाकर जरूर ट्राई करिए। चाय के साथ ठंडे मौसम में ये पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ।